नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बीते साल राजस्थान में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार झगड़ा जारी है, और बीते साल आपने सचिन पायलट के मुख से एक बयान सुना होगा जब सचिन पायलट ने कहा था कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही है। लेकिन अब इसी बयान को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी ये मान बैठे है कि ये बयान पायलट ने बीजेपी के लिए दिया है, और ऐलान कर बैठे हैं कि भविष्य में सचिन पायलट बीजेपी के सच्चे सिपाही होंगे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। फिलहाल तो पायलट कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन क्या भविष्य में सचिन पायलट वाकई बीजेपी के सच्चे सिपाही बनेंगे? राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा थमा नहीं है, क्योंकि अब तक पायलट को हक नहीं मिला है। लेकिन राजस्थान की लड़ाई पर बीजेपी चुटकी लेने से कहां दूर रह सकती है। जयपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दौरे ने उस वक्त हलचल बढ़ा दी जब उन्होंने जाने से पहले एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कह दिया कि पायलट जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे। सचिन पायलट आल्सो आ गया। यस, आई एम सोचता है ही विल कम फ्यूचर। वैसे बीता साल आपको याद होगा जब गहलोत तो पायलट खेमा अलग हुआ और आवाज आई क्या पायलट बीजेपी के साथ जाएंगे। उस वक्त भी पायलट कहते रहे कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। तो क्या फिर पायलट को यही बयान वापस दोहराना होगा, क्योंकि कुट्टी तो पूरे भरोसे के साथ ही कह चुके हैं कि सचिन पायलट जल्द कांग्रेस छोड़ देंगे। कुट्टी ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद को उदाहरण देते हुए कहा कि उम्मीद है पायलट भी जल्द कांग्रेस छोड़ेंगे। क्या सच होगी कुट्टी की भविष्यवाणी? क्या हाथ का साथ छोड़ेंगे पायलट? क्या जल्द बीजेपी के साथ होंगे पायलट? आखिर अब्दुल्ला कुट्टी को क्यों है इतना भरोसा? अब्दुल्ला कुट्टी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब गहलोत सरकार का झगड़ा पूरी तरह सुलझा नहीं है, ना मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और ना ही तारीख सामने आई। और इस बार सचिन पायलट भी मौन रहने वाले नहीं है और आलाकमान को याद दिला चुके हैं कि वादा पूरा करें। हालांकि अब्दुल्ला कुट्टी के बयान के बाद पायलट की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है जब तक गहलोत अपने घर का झगड़ा खत्म नहीं कर लेते तब तक बीजेपी दाव खेलती रहेगी और भविष्यवाणी भी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।